तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर वीडियो अपलोड कर करके थक चुके हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि आपको YouTube पर वीडियो अपलोड करने का कोई भी क्रिएटर सही तरीका नहीं बताएगा। और जब तक आप सही तरीके से वीडियो को अपलोड नहीं करोगे तब तक आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आने वाले। लेकिन मैं लिख के गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने इस तरीके से वीडियो को अपलोड किया तो आपकी वीडियो पर 100% व्यूज आएंगे। क्योंकि वीडियो अपलोड करने से पहले कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक YouTube आपकी वीडियो पर एड नहीं लगाएगा तब तक आपकी वीडियो पर इम्प्रेशन नहीं आएगा, और अगर इम्प्रेशन नहीं आएगा तो आपकी वीडियो पर व्यूज भी नहीं आएंगे। लेकिन आखिर YouTube वीडियो पर एड कब लगाता है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, YouTube पर आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें कोई भी क्रिएटर आपको ये सीक्रेट स्टेप नहीं बताएगा जो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अपलोड करने से पहले ये जानना जरूरी है कि वीडियो को कहां से अपलोड करें, क्योंकि YouTube पर वीडियो दो जगह से अपलोड हो सकती है, फर्स्ट क्रोम ब्राउजर एंड सेकंड YouTube एप्लीकेशन से। दोनों में कहां से अपलोड करें यह जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अधिकतर क्रिएटर जो वीडियो को YouTube से ही अपलोड करते हैं, बहुत सारे क्रिएटर आपको बताते होंगे कि क्रोम से अपलोड कीजिए आपके वीडियो पर व्यूज आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको YouTube से ही वीडियो अपलोड करनी है। लेकिन वीडियो अपलोड करने से पहले कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में YouTube एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन इसके बाद आपको नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करना है। अब आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं। देन इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, तो अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सबसे पहले वीडियो पर थंबनेल ऐड करना है। तो थंबनेल ऐड करने के लिए लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और उस थंबनेल को चूज कर लेना है। देन इसके बाद आपको अपनी वीडियो का टाइटल ऐड करना है, और अब आपको विजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर आकर वीडियो को अनलिस्टेड पर रखनी है। इसके बाद ऑडियंस वाले ऑप्शन पर आकर सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद आपको वीडियो को अपलोड कर देनी है, और जब आपकी वीडियो अपलोड हो जाए तो आपको अपने फोन में YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन इसके बाद आपको कंटेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना और उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जो आपने रिसेंटली अपलोड किया है। इसके बाद आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है और एड डिस्क्रिप्शन पर जाकर अपनी वीडियो से संबंधित हैशटैग लगा देने हैं, और फिर से बैक होकर टाइटल को कॉपी करना है एंड वापस डिस्क्रिप्शन में जाकर पेस्ट कर देना है। इसके बाद नीचे आकर मोर ऑप्शंस पर क्लिक करना है और अपने हिसाब से टैग ऐड कर देना है, और वापस बैक आकर के सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर। तो दोस्तों, इस तरीके से वीडियो अपलोड करने के बाद आपकी वीडियो पर 100% व्यूज आएंगे। लेकिन उससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि YouTube हमारी वीडियो पर एड कब लगाएगा, क्योंकि YouTube जब तक आपकी वीडियो पर एड नहीं लगाएगा तब तक व्यूज नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो के टाइमलाइन पर ध्यान रखना है, जिसमें आपकी वीडियो 5 से 8 मिनट के बीच में होनी चाहिए, और आपको 10 दिन के अंदर 3 वीडियो अपलोड करनी है। इस तरीके से अपलोड करने के बाद आप जो पहले वीडियो अपलोड करते थे और जो अभी वीडियो अपलोड कर रहे हो उनके व्यूज में काफी फर्क नजर आएगा। और अगर फिर भी व्यूज नहीं आ रहे तो आपको एक नया YouTube चैनल बनाना है, और वह किस तरीके से बनाना है इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है। उस वीडियो में बताया उस तरीके से अगर आप YouTube चैनल बनाते हो और इस तरीके से वीडियो को अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो पर भी 100% व्यूज आएंगे।